हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवानी और आपका स्वागत है इजी कुकिंग में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक मैगी की रेसिपी। तो इसे मैंने चाइनीज स्टाइल में बनाया है और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसे जितनी भी देर रख देंगे ये स्टिकी नहीं होगी। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं ये नॉन स्टिकी मैगी की रेसिपी। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ये बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएं। मैगी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम पानी लेंगे और जैसे ये पानी नीचे से थोड़ा सा गर्म हो जाए, देखिए इस तरीके का, तो बस इसमें अब हम मैगी डाल देंगे। जब आप एक से ज़्यादा मैगी बनाएं तो मोस्टली ये कोशिश करिएगा कि उसे खुले बर्तन में पकाएं, क्योंकि अगर खुले में पकेगी तो सारी जो मैगी है वो अच्छी तरीके से पक जाएगी हर तरफ से। बस इसे बीच बीच में आप टर्न करते रहें। इसे हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, घड़ी देख के 2.5 से 3 मिनट पकाना है, नहीं तो मैगी ओवर कुक हो जाएगी। तो बस एक बार बीच में इसे चेक कर लीजिए कि ये अच्छे से पक गई है कि नहीं। ये तो पक गई है। चलिए अब इसे हम गैस का फ्लेम ऑफ करके निकाल लेते हैं बाहर। तो इस तरीके का आप एक छन्नी लेके उसको निकाल लें और जैसे ये इसमें डालें इसके बाद फटाफट से आपको इसमें ठंडा पानी डालना है। आप चाहें तो आप नल के नीचे भी इसे रख सकते हैं, बस ठंडा पानी डाल दें। ठंडा पानी इसलिए डालते हैं ताकि जो उसका कुकिंग प्रोसेस होता है वो वहीं पर बंद हो जाए। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। करीब 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस अब इसको साइड में रख देते हैं और बाकी की तैयारी करते हैं। मैगी के लिए सबसे पहले लहसुन काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं, इसको अच्छी तरीके से एकदम बारीक चॉप करें। इसके साथ ही हम प्याज काट लेते हैं। तो ये 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, इसको इस तरीके का काटेंगे ताकि जब इसकी लेयर्स निकलें तो वो अच्छी लंबी लंबी आएं। अब काटेंगे शिमला मिर्च। तो सबसे पहले इसके ऊपर का पोर्शन काट के इसको बीच से हाफ करेंगे और इसके ये बीज जो हैं वो निकाल देंगे। अब इसको लंबा लंबा इस तरीके का हम काट लेंगे। तो और चलिए अब फटाफट से चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, सबसे पहले हम उसमें तेल डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो घर पे रिफाइंड ऑयल लेते हैं वो यूज़ किया है। तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें हम लहसुन डालेंगे जो हमने काट के रखा था। लहसुन जब थोड़ा सा हो जाएगा ब्राउन, इसके बाद इसमें हम प्याज डाल देते हैं। प्याज डाल के इसको अच्छी तरीके से चलाएँ और ऐसे करें ताकि ये जो है इसके सारे लेयर्स अलग अलग निकल जाएँ। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, बस 1 मिनट पकाना है। तो 1 मिनट पकाने के बाद अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देते हैं। शिमला मिर्च डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए करीब इसको और पकाएंगे। इसके बाद इसमें डाल देते हैं सोया सॉस। तो 1 चम्मच सोया सॉस ली है मैंने, 2 चम्मच यहाँ पर मैंने टोमेटो सॉस ली है, 1 चम्मच यहाँ पे हम विनेगर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सबको। अब इसमें नमक डाल दें, तो आप स्वाद के अनुसार डालिएगा। मैंने 1/2 चम्मच करीब इसमें नमक डाला है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अब जो मैगी है वो हम इसमें डाल देंगे। तो मैगी डालने के बाद इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा मैगी का टेस्ट मेकर, मतलब कि मैगी मसाला। तो मैगी मसाला डाल के एक बार इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे और उसके बाद फिर जो दूसरा पैकेट है मैगी मसाले का वो हम डालेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से एकदम मिक्स करें ताकि जो सब्जियां हैं और जो सोया सॉस वगैरह हमने डाली वो अच्छी तरीके से मैगी में मिक्स हो जाए। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके इसमें धनिया पत्ता डाल देती हूँ। आपके पास स्प्रिंग अनियंस हो तो आप वो डाल दीजिए। बस इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये चाइनीज़ मैगी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट मुझे ज़रूर करके बताइएगा कि ये कैसी लगी। चलिए फिर दोबारा मिलते हैं आपके साथ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ।